जैसे ये लॉग इन होगा आपको आपको ये इस तरीके से ये पेज खुल जाएगी और इसमें कई टिकर्स हैं। अभी इस प्रेजेंटेशन में तो हम एक कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे, बट एक हाईलाइट आपको देता हूँ क्योंकि आप इसको मंडे नेक्स्ट 2-3 दिनों में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स व्यू आ रहा है, इंडेक्स व्यू में यहाँ पे लिखा आ रहा है बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है। ये स्क्रॉलर चलते रहेंगे आपको और वो एक इंडेक्स का डेटा जो हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उसका आउटपुट यहाँ पे आता है बेसिकली। और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में, इसमें कुछ स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं जैसे ONGC या टाटा केमिकल है। ये स्टॉक्स बहुत कुछ मॉडल्स पे फिल्टर होके आ रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी हमें 70% तक इसमें मिली है। तो इस तरीके से इसमें कई सारे इंट्राडे के लिए टूल्स बने हुए हैं, 5 और 15 मिनट पे 80 मिनट टाइम फ्रेम है, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये कुछ इसमें डेटा इस तरीके से आते रहते हैं जो आप ऊपर देख सकते हो। आपके अगर रेड में कुछ आ रहा है, इस साइड में अगर कुछ आएगा रेड में, तो वो बेसिकली सेल साइड का होता है, और अगर ये आपका ग्रीन में आ रहा है तो उसको हम बाई साइड का लेकर के चलते हैं। तो इस तरीके से ये डेटा आपको आता है। इसमें देखिए मंडे से आपको देखना क्या है, एक तो डेरिवेटिव सेक्शन में आप जब जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा आ रहा है। जब आप डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे तो जो टेबल मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ वो ये सेम टेबल है। ये देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को डेटा पॉजिटिव था बट मार्केट ने डिप लिया, डिप लेके सबका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट हाईस पे बंद हुई। तो ये बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा धीरेन ने एक्सेल पे एक्सप्लेन किया वही सेम डेटा है। ये डिफरेंस हम लोग हर 15 मिनट्स में कैप्चर कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये डेटा कंटिन्यूअस पॉजिटिव डिफरेंस था और उसके कारण फाइनली निफ्टी ऊपर की तरफ बंद हुई। इसमें नीचे आपको एक ये निफ्टी का ग्राफ भी आ रहा है कि ये डेटा जीरो के ऊपर है बट स्लोपिंग स्लोप इसका थोड़ा नेगेटिव था इसलिए निफ्टी नीचे आ गई थी। देर आफ्टर क्लोजिंग में ये स्लोप पॉजिटिव हो गया और सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी ये स्लोप आ रहा है। तो ये डेटा देख के हमें एक लाइव आइडिया लगता रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी करनी है। इसमें कि ये ओडियन परसेंटेज की एक नई टेक्निक है, वो मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक ओडियन पे कुछ ऐसे परसेंटेज आते हैं जिसको हम इंस्टेंट देख करके समझ सकते हैं कि हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, और ये खास तौर से स्टॉक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं जैसे रिलायंस, इंफोसिस, TCS। ये बेसिकली ओडियन परसेंटेज स्टॉक्स के लिए है बट निफ्टी में भी ये काम करती है, बैंक निफ्टी में भी करती है, बट इस तरीके के टूल्स इसमें बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक निफ्टी में मूव करते हो तो बैंक निफ्टी पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का डेटा भी इसी तरीके से आ रहा है। खास बात अब मैं इसमें डिलीवरीज अगर हम देखते हैं तो अगर देखिए डिलीवरीज का डेटा आ रहा है जिसमें मैं आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक लेता हूँ ICICI बैंक। ICICI बैंक आपने देखा होगा रिसेंट में काफी अच्छा मूव दिया है। तो ICICI बैंक में ये डिलीवरी ओपन हाई लो क्लोज ये 4 प्राइस है, इसका वॉल्यूम्स आ रहा है। और फिर आपको ये देखिए ये डिलीवरीज का डेटा आ रहा है, ये डिलीवरी। अब डिलीवरी इसकी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिसेंट में 27 नवंबर को काफी डिलीवरीज उठी है। 27 नवंबर को ये करीब करीब 3 करोड़ शेयर के आसपास की डिलीवरी होगी, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ शेयर की डिलीवरी उठी है 27 नवंबर को, 27 नवंबर को। यानी कि ये इस दिन का हाई लो आप देखिए 479 से 471 के बीच में है। तो इसी रेट में अगर ये डिलीवरी उठी है और उसके बाद स्टॉक्स ऊपर मूव कर रहा है, ये देखिए 3-4 दिनों में कितना हो गया, 504 हो गया। यानी जो बाइंग हुई है, बड़ी बाइंग हुई है, वो 480 की रेंज में हुई है और अभी 504 है। तो पॉसिबिलिटी और है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अभी हम एक बार और ऑप्शंस का भी डेटा इससे समझेंगे, बट ये डेटा तो मैंने आपको डिलीवरी का दिखाया जो हम भाव कॉपी से कैप्चर करते हैं। इसमें कोई भी सारा स्टॉक्स का रिसेंट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप SBI देख लो, SBI में भी अच्छी मूव बनी है, तो किस रेट पे डिलीवरीज बाइंग हुई है। अब आप देखिए SBI की सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है, 10 नवंबर को बाइंग हुई है, ये करीब 4 करोड़ शेयर की बाइंग हुई है। रेट इस समय कितना था, 235 के आसपास का रेट था, अभी ये बेसिकली अभी 264 हो गया। हम सिंपल इसमें एक टेक्निक है कि जिस दिन बहुत ज्यादा डिलीवरी उठती है उसके पिछले दिन का लो का स्टॉप लॉस लगा करके हम ट्रेड करते हैं और हम इसको डिलीवरीज होल्ड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो डिलीवरीज में भी कई ऐसे ऐसे इसमें डेटाज हैं, कई टेक्निक हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने जो जो लास्ट 15 सालों में सीखा है उसको इस सब में डाल दिया है एक टैब में। जैसे यहाँ डिलीवरी एवरेज स्कैनर भी है कि आपको ये देखना है कि किसमें डिलीवरी सबसे ज्यादा उठी, 70% से ज्यादा डिलीवरीज उठी तो आप उसको स्कैनर चला के देख सकते हो। 40% प्लस डिलीवरी है तो आप देख सकते हो। ये देखिए 40% मैंने डाला तो 40% से ऊपर की जो भी डिलीवरीज होंगी
ये देखिए डिलीवरी परसेंटेज है, ये सारी यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। अगर मुझे देखना है कि नहीं मुझे 50 से ऊपर की डिलीवरीज देखनी है तो मैंने 50 डाला, तो ये स्टॉक्स हैं जिसकी डिलीवरीज इज मोर देन 50। तो बेसिकली जो एक ट्रेडर्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो सारे टूल्स जो हमें मिलते गए हमने इसमें एक एक टैब करके डाल दिया। डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो सकता है, नहीं हो, क्योंकि हम लोग डिजाइनर नहीं है, एक एक बेसिकली रिसर्चर है, और रिसर्च करते करते जो टूल्स मिलते गए उसको बना बना के इसमें डालते चले गए। जैसे इसमें देखिए नियर सपोर्ट नियर असिस्टेंस, ये भी एक ऑप्शंस का डेटा पे है। ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन आप लोग देखते होंगे कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स के ओपन इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे ये टूल्स इसमें बने हुए हैं। अब इसमें मंडे को आपको एक बहुत अच्छा टूल मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ जो आपको यूज करना है। ये बेसिकली जब आप होम पेज पे आएंगे तो ये निफ्टी के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी आ रही है, तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये क्वांटिटी है कि बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, निफ्टी में कितनी बाइंग हो रही है, बैंक निफ्टी में कितनी बाइंग हो रही है। और उसके बाद नीचे ऑप्शंस आ रही है, आप देखिए 13100, 13200, 13300, 13400। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है तो हमें कॉल लेनी चाहिए, राइट, बट कौन सी कॉल सबसे ज्यादा बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि सपोज मार्केट 13200 पे है एंड हम 13300 की कॉल खरीद लेते हैं या 13400 की कॉल खरीदते हैं, बट हमें वो कॉल खरीदनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। कई बार टेलीग्राम पे मैं लिखता हूँ कि इस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है, इस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा सेलिंग इंटरेस्ट है, तो वो आप यहाँ से इस डेटा से देख सकते हो। सबसे ज्यादा फ्राइडे को बाइंग इंटरेस्ट 13200 की कॉल ऑप्शन में थी, विच इज 16 लाख, यानी कि अगर हमें कॉल खरीदना है तो 13200 की बेस्ट स्ट्राइक है खरीदने के लिए। बट अगर हमें ऑप्शन राइट करना है, पुट ऑप्शंस राइट करनी है, तो बेस्ट स्ट्राइक 13100 की पुट ऑप्शन राइटिंग के लिए है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्केट में राइटिंग हो रही थी। तो ये डेटा देख के हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम पुट खरीद लेते हैं या गलत स्ट्राइक्स खरीद लेते हैं, तो इससे आपकी एक्यूरेसी वहां पे आ जाएगी कि कौन सी स्ट्राइक्स हमें लेनी चाहिए, कौन, अगर हमें कॉल लेना है तो कौन सी स्ट्राइक सबसे बेस्ट है जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो ये एक डेटा है। फिर अगर हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट में डेटा अगर पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो कौन सा सेक्टर हमें लेना चाहिए, लाइक सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ये लाइव डेटा चेंज होता रहता है कि अभी सबसे ज्यादा बैंकिंग में बाइंग आ रही है, उसमें पीएसयू बैंक्स में बाइंग आ रही है, फिर मेटल्स में बाइंग आएगी। वीकेस्ट क्या है, एनर्जी, एनर्जी में रिलायंस है तो रिलायंस इज द वीकेस्ट, आईटी सेकंड वीकेस्ट है। तो फ्राइडे को ये इंडिकेशंस था कि हमें आईटी और एनर्जी को ट्रेड नहीं करना है, मार्केट ऊपर भी जाएगी तो बैंक्स और पीएसयू ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे एंड द थर्ड रैंकिंग इज मेटल। तो इस तरीके से ये डेटा जो है लाइव अपडेट हो सकते हैं। सपोज अब मन में क्वेश्चन आता है कि पीएसयू हमें लेना है तो पीएसयू में कौन सा शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे सेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं। जैसे आप पीएसयू पे क्लिक करोगे तो पीएसयू में भी कौन सा शेयर बेस्ट है वो डेटा आपको यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या तो डेटा स्लो आ रहा है, ये कुछ फेच होने में दिक्कत हो रही है। बट बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पीएसयू बैंक पे क्लिक करेंगे या पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उनके अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो सारे क्लिक होके आ जाएंगे कि सबसे रैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट है या एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए। स्लो हो रहा है इसलिए ऐसा है, बिकॉज कुछ कारण से स्लो हो रहा होगा। बट आप ये देखिए, जैसे मैंने प्राइवेट बैंक को क्लिक किया तो प्राइवेट बैंक, एक टीवी पे आपने सुन लिया कि प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, बैंक निफ्टी चलेगी, बट बैंक निफ्टी में कौन सा स्टॉक चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप देखिए आईसीआईसी बैंक सबसे टॉप में है, देन एक्सिस बैंक है, और वीकेस्ट इज यस बैंक एंड फेडरल बैंक। तो इस तरीके से देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स में कर सकते हो, या बेसिकली आपकी राइट स्टॉक में एंट्री रहेगी और आपके पास वही स्टॉक होगा जो सबसे ज्यादा दौड़ लगाने वाला है, यानी आपके पास फास्टेस्ट घोड़ा होगा मैदान का जिसके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। तो वो बेसिकली हमें आइडिया लगता रहता है इस डेटा से कि हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने 10-15 मिनट में एक समझाया कि आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, इनके बेसिस पे आप मंडे को एक बार लाइव देखना क्या क्या हम कर सकते हैं। अब मेरा एक और है कि स्टॉक ऑप्शंस का एक मैं आपको मॉडल दिखाता हूं इसमें, कि स्टॉक ऑप्शंस पे आप किस तरीके से जैसे SBI या ICICI बैंक में ट्रेडिंग आप कर सकते हो, या क्या उसकी पोजीशंस बन रही है, आगे उसमें क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक ऊपर जैसे आ रहा है, या सपोज मैंने क्लिक किया अपोलो हॉस्पिटल पे, तो ये एक स्टॉक का विंडो खुलेगा यहाँ पे।
अब इस विंडो पे हम सेलेक्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल, दो स्टॉक का एग्जांपल हम ले रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक हम ले लेते हैं। अब देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक खुल गया। अब इसमें एक तो डेटा वो आपको दिख रहा है जो अभी हम निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं ना, कि कॉल का डिफरेंस कितना है, पुट का डिफरेंस कितना है, वो एक देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डेटा बन रहा है टाइम वाइज। अभी जैसे जो धीरेन या सुरेश ने आपको सिखाया वो जब आप खुद से करोगे तो आप एक स्टॉक कर सकते हो, निफ्टी कर सकते हो, बैंक निफ्टी कर सकते हो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी मेथड है। बट यहाँ पे हम लोगों ने रेडीमेड सारे स्टॉक्स का बना रखा है और सारे स्टॉक्स को आप जस्ट विथ अ क्लिक देख सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये सेम, जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का कॉल का डेटा आ रहा है, इधर पुट का डेटा आ रहा है। अब डेटा देख के ये लग रहा है कि पब्लिक जो है, रिटेल पब्लिक, उन्होंने कितना 20 लाख पुट खरीदा है आईसीआईसीआई बैंक का, और कॉल उन्होंने केवल 9 लाख खरीदा, यानी कॉल कम खरीदा है और पुट ज्यादा खरीद रहा है। यानी जो रिटेल पब्लिक है उनका जो व्यू है वो मंदी की तरफ है, उनको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक अब नीचे गिर जाएगा इसलिए हमें पुट लेना चाहिए। तो वो पुट कौन से खरीद रहे हैं, वो 500 की सबसे ज्यादा पुट खरीद रहे हैं। आप देखिए 17 लाख शेयर ये सबसे ज्यादा यहाँ पे 500 की पुट में उनकी तरफ से बाइंग ऐसा दिख रहा है। तो ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर रिटेल पब्लिक पुट खरीद रही है तो हमें कॉल साइड बैठना है। तो कम से कम आप गलत ट्रेड नहीं करोगे इसको देख करके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आईसीआईसीआई। बाकी चार्ट्स हैं, कई लोग चार्ट्स देखते हैं, वो चार्ट्स के कंफर्मेशन के साथ अगर इस डेटा को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास डबल चेक है। तो इस तरीके से एक तो ये डेटा यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमारे पास ये डिलीवरीज के लेवल्स आते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में 479 पे जो मैंने अभी डिलीवरी का मॉडल शेयर किया था, इस रेट पे सबसे ज्यादा डिलीवरीज उठी है। तो इस रेट से अगर ऊपर है तो आप बड़े आराम से अपनी डिलीवरी पोजीशंस कैरी कर सकते हो। कई बार ऐसा हमसे गलती होती है कि 480 पे हमने लिया, 490 पे हम बेच के निकल जाते हैं, उसके बाद वो 530 हो जाता है एंड वी हम रिग्रेट करते रहते हैं कि हमने 10 रुपए में क्यों बेच दिया। बट जब आप डिलीवरीज के लेवल देखोगे तो आप बड़े आराम से इससे नीचे का स्टॉप लॉस रख करके आप अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हो हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, और आप बड़ा प्रॉफिट इससे बना सकते हो। प्लस आप देखिए डेरिवेटिव्स का ओपन इंटरेस्ट, मैक्स कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 500 का रेसिस्टेंस है, मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, ये डेटा इसमें आ रहा है। ये देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ओआई कंसंट्रेशन आ रहे हैं। ओआई कंसंट्रेशन यानी किस लेवल पे कितनी कॉल पुट की पोजीशंस भाव कॉपी के हिसाब से मार्केट में खड़ी है। यानी आईसीआईसीआई बैंक में 500 की ये जो स्ट्राइक दिख रही है ये कॉल है, ग्रीन वाली कॉल है और रेड वाली पुट है। इसको आप ऐसे समझो, जो ग्रीन वाली है ये कॉल ऑप्शन है और रेड वाली पुट ऑप्शन है। अब मार्केट में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस अभी के समय में आउटस्टैंडिंग है वो 500 की स्ट्राइक्स पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, 40 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। अब ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी ये 502 के आसपास आ गया है और इसी प्राइस पे है, यहाँ पे सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 510 के ऊपर निकल गया तो ये राइटर जो है ये फंस जाएंगे और आईसीआईसीआई बैंक में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और ये 550 की तरफ जा सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 500 वाला राइटर है ये डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं और ये आईसीआईसीआई बैंक को वापस नीचे भी पुश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी 40 लाख शेयर की पोजीशन है और आप ऐसा मान के चलो कि 40 लाख शेयर रिटेल पब्लिक ही खरीद सकते हैं। रिटेल पब्लिक 40 लाख शेयर अगर ऑप्शंस के बेचेंगे आईसीआईसीआई बैंक में तो उनको बहुत मार्जिन लगेंगे। बट वो 40 लाख शेयर अगर 10 रुपए का प्रीमियम है तो वो बड़े आराम से 4 करोड़ रुपया लगा के खरीद सकते हैं। बट एक लॉट बेचने में 1.5 लाख का अगर मार्जिन लगेगा तो इतना बेचना रिटेल के लिए बस की बात नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो लेवल है ये 500 का लेवल बड़ा खतरनाक लेवल है, इस लेवल पे कॉल खरीदना और कैरी करना बड़ा रिस्की हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। अब ये डेटा क्या है, कैसे कैसे चेंज होते हैं, अब आपको ये देखना है कि कल के दिन सपोज आपने यहाँ पे कॉल खरीद लिया और आईसीआईसीआई बैंक 510 पे बंद हो जाता है कल के दिन, कल गैप अप होता है राइट, और आईसीआईसीआई 510 पे बंद होता है, तो आप ये मान के चलो कि 500 का आपका सपोर्ट मिल गया, आप बड़े आराम से राइड कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक को 530 540 के लिए। बट अगर किसी कारण से आईसीआईसीआई बैंक वापस 500 के लेवल को छोड़ के 495 पे बंद हो जाए तो आप ये सोचोगे कि ये जो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स है यहाँ पे ये 500 के ऊपर इसको नहीं जाने दे रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे 500 की कॉल से निकल जाना है या आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में प्रॉफिट बुक कर लेना है या यहाँ पे ये रेसिस्टेंस एरिया है, मुझे इस रेट पे बाइंग पोजिशंस नहीं रखनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमें ये डेटा देख के एक माइंड में थोड़ा डायरेक्शन मिलता है कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए,
या फिर आप स्प्रेड प्ले कर सकते हो कि अगर आपको तेजी लग रही है तो 500 की कॉल लेकर के आप ऊपर 520 की कॉल बेच सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज आप क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बेसिकली आपको डेटा देख के आपको माइंड में कम से कम एक क्लियरिटी मिल रही होगी, आपको एक पिक्चर आ रहा होगा कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी जब हम डेटा नहीं देखते हैं तो हम ब्लैंक होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड वी डिपेंड्स ऑन अदर्स। बट जब आपके पास डेटा होगा तो आपका एक सेल्फ डिसीजन होगा और आप इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग इसके इस डेटा के बेसिस पे कर सकते हो। ये तो पूरी पोजीशन भाव कॉपी की हो गई एक्सपायरी से, बट ये हमें हम आपको लाइव डेटा भी देते हैं बेसिकली कि 4 तारीख जो 4th December है, कल का डेट था, उस दिन क्या हो रहा था मार्केट में। ये देखिए ग्रीन वाली कॉल्स हैं, कॉल्स की पोजीशन कट रही थी, पुट्स की पोजीशन ऐड हो रही थी, यानी पुट्स में राइटिंग हो रही थी, रिटेल पब्लिक पुट खरीद रहे हैं। तो ऐसा देख के लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक 500 को क्रॉस करेगा और ये 520 की तरफ पक्का जाने को तैयार है। इसलिए अगर आप लोगों ने कॉल ऑप्शन ले रखी है तो 490 का स्टॉप लॉस रख करके आईसीआईसीआई बैंक को राइड करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा का डेवलपमेंट स्लोली स्लोली लास्ट 2 दिन में देखिए, 3 तारीख को और 4 तारीख को देखिए क्या हुआ। 3 तारीख को पब्लिक ने, रिटेल पब्लिक ने 450 की पुट खूब खरीदी और दे आर लूजिंग, 470 की भी पुट खरीदी फिर उनको लॉस हो रहा है, 480 की भी पुट खरीद ली 3 तारीख को। अब आइए 4 को क्या हुआ, ये कॉल वाला कॉल कट गई और पुटों में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 दिन का डेटा देख के मुझे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि रिटेल पब्लिक पुट में घुस रही है और कॉल राइटर अपनी पोजिशन को रिड्यूस कर रहा है। तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी एक्सपायरी को बहुत दिन बाकी है, 4 वीक एक्सपायरी को बाकी है, तो देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आईसीआईसीआई बैंक इस एक्सपायरी में 540-550 की तरफ जा सकता है। तो ये डेटा देख के आपको एक विजन क्लियरिटी मिलती है, आपको रोड दिखते हैं कि मुझे मार्केट में क्या करना है, कौन से स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग्जाम्पल से आपको आईसीआईसीआई बैंक में काफी हद तक एक क्लियरिटी मिली होगी। आपका स्टॉप लॉस 490 का बनता है, 500 के ऊपर 540-550 हो सकते हैं। अगर किसी दिन ये 510 के ऊपर बंद हो गया तो अगला दिन ये गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये 500 वाला कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है और वो अपनी पोजीशंस कवर करने आएंगे और वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ये 550 हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये हम ऑप्शंस में इस डेटा को देख करके काम कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ सो दैट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो हम एक SBI लेते हैं। SBI में भी रिसेंट में देख रहे हैं कि काफी रिकमेंडेशन आ रही है, काफी मूवमेंट बन रही है। तो SBI की जो क्लोजिंग प्राइस है 263 के आसपास क्लोजिंग प्राइस है, इसकी देखिए डिलीवरी उठी है कहाँ पे, 235 पे डिलीवरीज उठी हैं, तो ये बहुत नीचे के रेट से डिलीवरीज उठी हुई हैं और यहाँ पे बहुत बाइंग हुई है। अब इसका आप रेसिस्टेंस देखिए 263 पे चल रहा है, अब रेसिस्टेंस 270 पे है, 270 पे आप देखिए कितना है, 66 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि अगर मेरी पोजिशन बाय है तो मैं 270 के आसपास अगर ये आता है कल किसी कारण से तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, और जब 272-273 के ऊपर जाएगा तो दोबारा मैं री एंटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वी आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे पैसे भी मिल जाते हैं, अगर 5-7-10 हज़ार मिल जाए हमें एक एक लॉट में तो हमारे लिए बहुत है। अगर हम से 2 रुपया भी मिलता है ऑप्शंस में तो हमें 5-6 हज़ार का प्रॉफिट मिलता है स्टॉक ऑप्शंस में, और अगर हम महीने के 4 से 5 ट्रेड अच्छे निकाल लें तो हम 20-25 हज़ार रुपए स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये डेटा पता नहीं होता है और हम गलती क्या करते हैं कि ये 270 आता है इसी लेवल पे हम कूद करके कॉल ले लेते हैं और हमारी कॉल उसी समय से वो नीचे गिरने लग जाती है। रीजन इज वी ओनली बाय एट अ रेसिस्टेंस लेवल, हम नीचे के लेवल पे नहीं ले पाते हैं। तो ये डेटा देख के आपको ये समझ में आएगा कि 270 का एक हर्डल है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 263 से 263 से क्या ये 270 टच करेगा, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 270 के ऊपर जाएगा, ये आपको रिसेंट डेटा से आइडिया मिलेगा। अब रिसेंट डेटा में आप देखो 4 को क्या हुआ, पुट राइटर्स आर वेरी अग्रेसिव, ये रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, ये पुट राइटिंग हो रही है, पुट वाले पब्लिक यानी पुट खरीद रही है और कॉल वाले भाग रहे हैं, कॉल देखो आप काट के भाग रहे हैं, ये तो ये एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि SBI ऊपर की तरफ मूव करने को तैयार है। और 3 तारीख को भी आप देखेंगे तो सेम इसी तरीके की फॉर्मेशन है। तो अगर 3 का फॉर्मेशन देख के मैं 4 को क्या करता, मैं तेजी खेलता क्योंकि मैं पुट नहीं लेता इसको, बट रिटेल पब्लिक इज बाइंग पुट ऑप्शंस, तो दे विल लूज मनी इन SBI बिकॉज दे आर बाइंग पुट ऑप्शन। तो डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि SBI जो अभी 263 के आसपास चल रहा है, इट इज गोइंग टू हिट 270, ये 270 को हिट करेगा। अब हम 270 पे देखेंगे कि जिस दिन 270 हिट कर रहा है उस दिन का डेटा क्या कर रहा है। अगर सपोज 5 तारीख को ये 270 हिट करता है और 5 तारीख को ये जो डेटा आप देख रहे हो इंट्राडे का डेटा,
अगर उसमें ऐसा दिखता है कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल्स कट रही है और पुटों में राइटिंग पुटों में बहुत ज्यादा पोजीशंस बढ़ रही है, तो दैट इंडिकेट्स कि अगला दिन वापस वो ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। तो ये सब डेटा को देख करके आप कई डिसीजंस ले सकते हो, कई लॉसेस को बचा सकते हो, कई अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ डेटाज हैं, जैसे SBI और रिलायंस का एग्जांपल लिया मैंने। वैसे आप कोई भी शेयर देख सकते हो, इसमें सारे जितने भी ऑप्शंस में लिस्टेड हैं। जैसे रिसेंट में आप टाटा स्टील भी एक देख सकते हैं, टाटा स्टील में काफी अच्छी मूवमेंट हमें मिली है। टाटा स्टील 622 के आसपास क्लोजिंग है। अब देखिए ये 600 पे रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। अब देखिए 600 पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस था, अब ये 600 का पुट ऑप्शंस में पोजीशंस बढ़ रही है। अब ये देखो रेड वाली 600 जो है ना, ये रेड वाली अगर आप कंपेयर करें 600 पे, तो 600 पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में बड़ी कैंडल पुट वाली बनती जा रही है। यानी अब टाटा स्टील 600 के नीचे नहीं जाएगा और प्रोबेबली इट विल मूव टुवर्ड 640। तो ये जो 222 का रेट है, ये 640 टाटा स्टील में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके से, बट ये ध्यान रखना है कि ये 690 जो और 700 वाली कॉल ऑप्शन है, वो कई रिटेल इन्वेस्टर ले लेते हैं, वो नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों जीरो हो सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं 690 और 700 वाली। तो अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो इस डेटा को देख कर हम ऑप्शन राइटिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये इस तरीके का डेटा है जो इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कई डेटा पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इवन आप कॉमोडिटीज वगैरह भी देख सकते हैं, हम कॉमोडिटीज भी हमने इसमें डाल रखा है। निफ्टी स्टॉक रैंकिंग भी है कि हम ये रैंक करते हैं कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में अगर मुझे 2 स्टॉक लेने हैं तो कौन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक हैं, ये पूरी रैंकिंग इसमें आती है। तो वेरियस फीचर्स हैं, बट आज के दिन में लिमिटेड टाइम था मेरे पास, 15-20 मिनट ही थे, तो मैंने आपको स्टॉक ऑप्शंस का मॉडल सिखाया जो ICICI बैंक या SBI या टाटा स्टील का एग्जांपल लेकर के हमने समझा। तो ये जो टूल है, जब आपको ये लाइव इसकी ट्रायल आईडी आपको मिल जाएगी, तो आपको ट्रायल आईडी में क्या क्या यूज करना है उसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। ट्रायल आईडी में एक तो आपको ये डेरिवेटिव मॉडल यूज करना है। डेरिवेटिव पे जब आप जाओगे तो आप क्लिक करोगे, क्लिक करके उसके अंदर लाइव डेटा आएगा, लाइव डेटा आप यूज कर सकते हो, बट उस डेटा को आप यूज कीजिएगा 10:30 के बाद, क्योंकि 10:30 तक डेटा बनता है, फिर उसके ऊपर हम कोई भी डिसीजन लेके ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी ऑप्शंस के लिए आपको ये डेटा यूज करना है लाइव मार्केट में कि कहाँ पे बाइंग हो रही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब तक कि 6-7 लाख शेयर से ज्यादा बाइंग ना हो तब तक वो कॉल ऑप्शन नहीं लेनी चाहिए। किसी में अगर 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की बाइंग हो गई तो वो श्योर शॉट कॉल ऑप्शन हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। लाइक 13,200 में 16 लाख की बाइंग है तो 10 लाख से ऊपर होने ही हम लोग क्या करते हैं कि 5 लाख पे एक लॉट ले लिया, 10 लाख पे 2 लॉट ले लिया, 15 लाख होते 3 लॉट ले लिया, 20 लाख होते 4 लॉट ले लिया। तो इस तरीके से हम एवरेज करते जाते हैं पोजीशन। जैसे जैसे FIs या बड़े लोगों की बाइंग होती जाती है, हम भी अपनी पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। अगर रिवर्स क्या करते हैं, ये 20 लाख हो गई, 20 से 15 हो गई, हम एक घटा देते हैं, 10 हो गई, फिर एक घटा देते हैं, 5 हो गई, फिर एक हम घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस में पोजीशंस को ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो हम पुट्स में उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टूल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इजी तरीके से यूज करके कुछ अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, प्रॉफिट अब बना सकते हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए। ट्रायल आईडी हमारी ब्रांडिंग टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, और आपको रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। ये गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने ट्रायल ले लिया, आपको अच्छा लगा, तो ये हम कैसे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, कई लोग पूछना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार धीरेन को रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरेन एक बार आप बता दो कि किस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का वेबिनार हमारा कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है सर कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हमारा एजेंडा ये है कि हम आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं डेटा से रिलेटेड, क्योंकि जो मेन फोकस था वो एक्सेल में हम कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो फोकस था, बट वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसलिए हमने सेकंड मेथड शेयर किया कि आप कैसे बाहर में सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू कर सकते हो। बट थर्ड मेथड भी हम इसलिए शेयर कर दिए क्योंकि ये रेडीमेड सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके पीछे हमने सर्वर्स लगा रखे हैं, हमें डेटा परचेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी ब्रोकर होने के बाद भी अगर आप डेटा किसी को दे रहे हो तो वी हैव टू परचेज दैट डेटा, और उसके बाद हम उस डेटा को इसमें रिसर्च के फॉर्म में बना के देते हैं। वी हैव ऑल्सो कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस। अभी आपको एनुअल कॉस्ट इज अराउंड 12,000 पर एनम, साल की केवल 12,000 की कॉस्टिंग है, बट आप एनुअल पैकेज में जाते हो तब इसकी कॉस्टिंग केवल 12,000 साल की है, विच इज 1,000 रुपीज पर मंथ। बट आपकी प्रोडक्टिविटी इससे 10,000 रुपीज पर मंथ की बढ़ सकती है अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो।